धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। The number you are calling is currently switched off. Please call. शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आप दोनों को 6 महीने एक साथ रहने का आदेश ये अदालत दे रही है। अब आखिरी सुनवाई 16 जुलाई को होगी। Thank you.
जब देखो तब लगा ही रहता है ये। जो कहना था कह दिया, अब क्या है? चेक शर्ट घुंघराले बाल कहा था ना, दिखाई दिया। ओ, वैसा ही है क्या? फेसबुक प्रोफाइल पिक भेजा था ना? अरे चुप कर, वो धर्मेंद्र की पुरानी फोटो थी। ओ, ही मैन की फोटो क्या? देख तुझे सब कुछ पता है, अब तू फोन रख, मैं इसे देखती हूँ। जब मर्जी आती है पता नहीं किसको किसको उठा ले जाता है। आर यू मिस्टर? यस, अब वो मैं ही हूँ। क्यों बे, तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? फेसबुक फ्रेंड बता के ब्लैकमेल करता है। हेलो हेलो, होल्ड ऑन, तुमने पहले जो कहा वो करेक्ट है, पर मैं दोस्त के लिए जान देता हूँ। उनका नाम अरविंद है। क्यों रे, इतनी जल्दी नरम पड़ गया? मुझे देख के डर गया क्या? तेरे को देख के काय को डरूंगा, तू क्या कोई शैतान है? अरे देखने में तो तू मस्त है। और अपुन ने नहीं किया बोला ना, उससे दोस्ती करके तो देख। करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ। तेरे जैसे लोग मार्केट में बहुत हो गए हैं, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल आएगी। हेलो, अपुन का भी बैकग्राउंड है वहाँ पर, देख लेंगे। क्या है? सुनना, उसने मुझे मैसेज किया। क्या बात कर रही है? मेरा इंतजार करके वो चला गया, फेसबुक में अनफ्रेंड भी कर दिया। बाद में बात करती हूँ। I'm sorry, मेरी फ्रेंड को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था तो गुस्से में बोल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग। कितना कुछ बोल दिया अपन को? हाँ, एक तो अपन सुपरस्टार का फैन है, उनको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, तेरी इज्जत का कचरा हो गया। हाँ, तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं। एक्सट्रीमली सॉरी। आज मेरे दोस्त की वजह से हाल मेरा बेहाल है। हम दिल से शाहजहां, पर इस वक्त जेब से कंगाल है। मेरे सामने बैठी है जो खूबसूरती की मिसाल है, आंखों में अंगारे हैं पर होठों पे प्यार का गुलाल है। समझ नहीं आया क्या? एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं, तुझे माफ किया ये बोलना चाह रहा हूँ। ये बिल भर के फूट ले, बस काफी है। या एक्सक्यूज मी, बिल। ओके मैम। आई एम सो सॉरी। ओके ओके। अरे क्या यार, कितनी देर कर दिया? hey, sorry यार, छोटा असाइनमेंट। अरे तेरा कौन सा काम होता, अपन को सब पता है। सच कह रहा हूँ यार। अरे किट्टू, hey, कैसा है यार? कब आया? Yesterday। अरे किट्टू, दारू का बोतल लाया कि नहीं? लाया हूँ यार। अरे तेरा ये काला चश्मा जबरदस्त है। ले ले। hey, meet my fiance, Smita। Hello। Hello। क्या हुआ बे? Hi, I'm Maddy। नमस्ते। Oh, नमस्ते। ये लड़की प्योर इंडियन है यार। I'm so lucky, you know। इस टाइप की लड़की बड़ी किस्मत से मिलती है यार। ये ले रख ले। थैंक यू यार। तू भी ना। अगले हफ्ते मेरी सगाई है। तुम दोनों को जरूर आना होगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। यू आर वेरी लकी। थैंक यू यार। बैठो स्वीटी। हे हॉटी। मॉर्निंग सर। व्हाट्स अप? बॉस अब तक दो बार कॉल कर चुके हैं। जल्दी जाइए सर, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। बात क्या है, कुछ ज्यादा हॉट लग रही हो? ओह, जाइए ना सर, लेट हो रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। आ गए, स्लाइड वापस दिखाई जाए क्या? हाँ सर, कोई बात नहीं, मैं उसे ऑफलाइन देख लूंगा। थैंक यू। लेट अस वेलकम द फ्यूचर एमडी ऑफ सुबिशी कंस्ट्रक्शंस, माधव। अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक अच्छा मौका है, मुझे विश्वास है कि तुम कामयाब हो गए। या डैड। स्ट्रेट स्ट्रेट स्लो, देखो क्लच धीरे से छोड़ो, क्लच धीरे से छोड़ो। लेफ्ट में गाड़ियां आ रही हैं, देख रही हो ना? वो हॉर्न बजा रहा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम पहले गाड़ी रोको, लगता है पीछे वाला पागल हो गया। तुम गाड़ी रोको। देखो कितनी बार समझाया तुम्हें, वही मिस्टेक रिपीट करती हूँ। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दिमाग की है।
वैसे भी बेकार की लकीरें खींचती हो ना, तुमसे बस वही काम हो सकता है। मुझे बोलती है मुझे कार चलाने दो, अगर ऐसे ही कार चलानी है तो दोबारा मत चलाना प्लीज। बेबी, इवनिंग 6 o'clock का प्लान याद है ना? रिजॉर्ट बुक किया है। डोंट स्पॉइल द गेम, ओके? ये जो पेंटिंग होती है ना, पेंटर की कल्पनाओं से जन्म लेती है। फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी लगन दिखाओ बेटी। ओके सर। इसी तरह की तुम्हारी पेंटिंग्स में रोमांस और पैशन है श्रीदेवी। गुड। थैंक यू सर। वाह, ये डिटेलिंग सब के बस की बात नहीं है। गुड वर्क माधुरी। थैंक यू सर। आज की सोसाइटी में इतनी सेंसिटिविटी से जीना बहुत ही मुश्किल है। गॉड ब्लेस यू। सर, अंदर आपको बॉस बुला रहे हैं। बॉस तो हमेशा बुलाते रहते हैं, कभी तुम भी बुलाओ। सर, इसके अलावा आपको कुछ सोचता है क्या? जिस काम की जब जरूरत हो तब करना चाहिए। बादल चले जाए तो उसके बाद बारिश नहीं होती। जिंदगी में हर चीज का टाइमिंग होना चाहिए। सर। Hi अंकल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लीग माधव। तुम्हारे जैसे यंग बच्चों को नए आइडियाज की अभी जरूरत है, क्या कहते हो? यस अंकल, श्योरली, मैं अपना बेस्ट दूंगा। कोई बात नहीं, कोई जरूरी कॉल होगा, बात कर सकते हो। थैंक्स अंकल, बाय। बाय डैड। बाय। हेलो, हाँ बोल। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में आकर मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया है, इसीलिए वो इतना शरारती और बेफिक्र बन गया है। इतने दिनों तक उसने फुल एंजॉय किया, कम से कम अभी थोड़ी जिम्मेदारी लेगा और प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगा, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तुम्हें एक बात बताऊं क्या? जब ये पैदा हुआ था ना, मुजरा देख रहा था साला, ऐसा पेपर में छपा था। अरे लाइटली यार, मुझे भी वो मैसेज आया। अरे क्या पी रहा है यार? छाछ पी रहे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? सामने रखी है फिर भी पूछ रहे हैं। क्या ज्यादा शाना बन रहा है क्या? क्या सोचती है यार ये? ये जितना परेशान करती ना, उतना मेरा बाप भी परेशान नहीं करता मुझे। ए सुन, जरा इसे देख, ये इनोसेंट लग रहा है ना तुझे? क्या यार, तू भी आजकल किसी पे भरोसा मत करना। तू भी इधर बैठा बैठा क्या सोच रहा है? चल अपन के साथ, उसकी चमड़ी उधेड़ के आते हैं। अरे मैं भी चलता हूँ ना यार। हाँ, तू तो बहुत बड़ा दारा सिंह का औलाद है ना। बैठा रहा इधर ही। जा कौन रहा है? अरविंद, अभी उसकी हड्डियां तोड़ के आता हूँ, इधर। लगता है वही है। चल चल। अपन की बहन को छोड़ता है तू? क्यों रे शाने, मेरी बहन को तू डिस्टर्ब करेगा? मेरी बहन को डिस्टर्ब करेगा तू? कुछ नहीं किया। नहीं मत तेरी क्यों मार रहे हो? रुको प्लीज। I'm sorry. ये क्या है? ए, तुमने मैसेज भेजा ना कि ये तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? अरे ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बस इग्नोर कर रहा था, जिससे मैं परेशान थी। I'm sorry. क्या चल रहा है? अपने पल्ले नहीं पड़ रहा। अपना काम करो। ए, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ए इधर। अब बोल प्रॉब्लम क्या है। सर, मेरी बहुत ही सिंपल फैमिली है सर। हाँ? मुझे मेरी फैमिली का ध्यान रखना है, हमेशा उन्हें खुश रखना है। बहुत जल्दी मुझे एक कंपनी शुरू करनी है सर, ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी बहन को कैसे छेड़ सकता हूँ? आरती, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्यार व्यार से बहुत डर लगता है। अरे कौन से युग में जी रहा है भाई तू? सुबिशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की MD तेरे को पसंद कर रही है। अरे ताबड़तोड़ तेरी किस्मत बदल जाएगी पागल। उठ, नाम क्या है? सर, मेरा नाम वरुण है। देख वरुण, लाइफ में पहली बार मेरी सिस्टर ने कुछ मांगा है मुझसे।
और इसकी खुशी में मेरी खुशी। अरे तू इधर आ, अरे इधर आ, नहीं मारेगा। उधर देख, देख कितनी सुंदर है। तू अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। अरे आरती से शादी कर ले, पता नहीं कब कंपनी शुरू करेगा। अरे लक्ष्मी घर आएगी तो कल ही शुरू हो सकती है, समझा क्या? चल भाई। I'm sorry. It's okay. तुम्हारी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म किस बात की? खजुराहो भी हमारे हिंदुस्तान में ही है। इसी बात पर चेस। yes. विश्वामित्र भी अगर तुम्हारी तरह शर्माते ना, तो मेनका के साथ उनकी कहानी नहीं बनती। समझ लो हम लोग भी मेनका ही हैं। इन सब चीजों का तो बुढ़ापे में पता चलेगा। जिंदगी को जवान रखना है तो जवानी की डोज लेनी पड़ती है। यार। बस तू चुपचाप। तो मुझे फोन का पासवर्ड याद नहीं आ रहा। पासवर्ड? अरे पासवर्ड बोला तो एक शायर याद आया यार। अर्ज किया सुनिए। अबे पासवर्ड पर शायरी है क्या? गुपचुप सुनने का। मोबाइल में पासवर्ड गर्लफ्रेंड का नाम रखा। अरे वाह बोलना। अरे वाह। मोबाइल में पासवर्ड गर्लफ्रेंड का नाम रखा। मोबाइल फोन अनलॉक करने गया तो समझ नहीं आया। अरे सुन, मोबाइल फोन अनलॉक करने गया तो समझ नहीं आया कि किस गर्लफ्रेंड का नाम रखा। ए मैडी मस्त है ना? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? ये वापस आ गई। बैठना, हमसे बात करो। अरे मैंने तुमको नहीं बोला मैडम, वो तो शायरी सुना रहा था। तुमने बोलो ना। मैडम को गलत बोलते हो। अरे मैं तुमको कुछ नहीं बोला, दोस्तों के साथ जोक मार रहा था। शायरी अकेले में सुना सकते हो ना? चौंका मार दिया। तो कमाल कर दिया। ऐसी शायरी पे भी लड़कियां पड़ जाती हैं। माधुरी, गेट इन। सीन मत क्रिएट करो, प्लीज बैठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें, बताओगी? कुछ नहीं। तो मुझे इग्नोर करके क्यों जा रही हो? नहीं राहुल, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं रह सकती। मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है। हम क्या 1980s में रह रहे हैं क्या? आई कांट बिलीव। माधुरी तुम्हें तो मैंने अब तक टच भी नहीं किया है। नाम के लिए हम सिर्फ रिलेशन में। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? राहुल प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम्हें क्या हो गया है? हमारा रिलेशन अच्छा ही तो है ना? What the heck is this? You call it a good relation? सच बात बोलूं तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो ऐसा सोचती हो, पर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है राहुल। I love you, पर but what? प्यार नहीं, भरोसा भी नहीं। You need to trust me, माधुरी। भरोसा नहीं रहा मास्टर। इतने दिनों से मैंने जिस प्यार पर भरोसा किया था वो ये नहीं है। कुछ अनजाना सा दुख है, उस दुख से बाहर नहीं आ पा रही हूँ मैं। प्यार मतलब दो दिल मिल गए तो काफी है सोचती थी, पर अभी सब समझ आया। दो शरीर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक प्यार नहीं होता। क्यों मास्टर, ये प्यार का मतलब क्या शरीर तक ही रह गया है? हर इंसान शरीर को ही देखकर क्यों बात करता है, लेकिन दिल में झांककर कोई क्यों नहीं देखता है?
वॉशरूम में जाओ। हाँ जा रहे ला। आलिया दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दियो, वॉशरूम जाना है मुझे। चलो हटो जा रहे वो है, रुको तो। ए दरवाजा खोलो, अर्जेंट है। ए बाहर आओ, तुमसे ही बोल रही हूँ। नंगे घूम रहे, शर्म नहीं आती? ए वहाँ जाएगी। ये क्या है, क्या घटियापन कर रहे हो? अब यही देखना रह गया था मुझे, तुरंत मेरे रूम से बाहर निकलो। अरे यही इसको समझा, कितनी बार कह रहा हूँ इससे, कोई और रूम देख लेते हैं, चलते हैं। सुनती है क्या तू? अब ये एक और है। हाँ क्या हो गया? कितना टाइम लगेगा? अरे थोड़ा वेट किया करना, आ रहा है मैं, रख। ए क्या रे, इधर क्या देख रही है, उधर देख। अब देखो घूरती रहती है। उस मनुष्य ने अपन का मूड पहले ही खराब कर दिया था, ऊपर से तूने फोन करके और बिगाड़ दिया। कौन यार? और कौन भाई, शैतानी शक्ल वाली, उसका उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे। पर हुआ क्या? क्या होगा यार, अरे अच्छे से मजे कर रहे थे। तेरे को इससे क्या मतलब, अब कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, डैड ने हम दोनों को फौरन बुला। अरे भाई तेरे आगे अपन हाथ जोड़ता है, अपन को छोड़ दे यार, तेरे कोई संभालना भारी है, तेरे बाप को कौन झेलेगा? अरे वो कह रहे थे कोई इंपॉर्टेंट मैटर। भाई अपन को इंपॉर्टेंट किसी चीज की जरूरत नहीं है, इधर साइड में रोक, अपन को जाके नया फ्लैट देखना है। नया फ्लैट लेगा? हाँ। लेकिन किसके लिए लेगा तू? तेरे को बताया नहीं ना, अपन और आलिया नया फ्लैट देखेंगे, ऐसा डिसाइड किया है। अरे तेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, ऊपर से तू नया फ्लैट लेगा। क्या यार ऐसा क्यों कह रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा तू? तुझे सच में लग रहा है वो लड़की आएगी तेरे साथ? अरे बराबर आएगी, बुला कौन रहा है अरविंद। देख तू ज्यादा ही उड़ रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे। तूने डिसाइड कर लिया ना, अब चल। मॉम डैडी ने अर्जेंटली बुलाया था मुझे। तुम्हारे डैडी अपने फ्रेंड के घर लंच पर जा रहे हैं, तुम जाकर तैयार हो जाओ। ओके। वाह ऑमलेट। हे ए वो उसके लिए है, तू हाथ मत लगा। अरे इसको गाय को इतना खिला रहे हैं, ये यूएस जाके पिज्जा बर्गर खाकर भैंस जैसी बन जाएगी। मार डालूंगी। तेरा वाला कैसा है बोल दो क्या? प्लीज 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 लेगा। वाह भले ही किसी भी मुर्गी ने दिया हो, तुम्हारे हाथों में आ गया तो अमृत बन जाता है। तुझे भी साथ में ही चलना है, जल्दी से रेडी हो जा। अपन तो रेडी है, अच्छा तो दिख रहा हूँ। क्या अरविंद? हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैडी, सब बढ़िया चल रहा है। बस इसके साथ घूमना है या कुछ ट्राई भी कर रहे हो? ट्राई कर रहा हूँ पर कुछ सेट नहीं हो रहा। तुम्हारी विशेषता क्या है? क्या मतलब? बीए। हाँ बीए फाइन आर्ट्स। और बीए पढ़ने के बाद क्या करने का सोचा है? हाँ ऐसा क्यों कह रहे हो डैडी, राघवेंद्र राव बीए कितने बड़े डायरेक्टर हो गए आपको पता है? मस्त बोला ना। ये फालतू के उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं, कल ओनर सर्विसेज में मेरा फ्रेंड इंटरव्यू कर रहा है, मैं उसे फोन कर दूंगा, जाकर मिल लेना। ओके हाँ ओके डैडी। सुनो मैडी के लिए लड़की देखने आए हैं, सभी डिसेंटली बिहेव करना, समझ गए ना? अरे भाई कांग्रेट्स, आज डबल पार्टी। ए, अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तेरी शादी करवा दूंगा मैं। अरे जा। ए महर्षि जी नमस्ते। माधुरी के बचपन से यही गुरु हैं, वो जो कुछ भी सीखी है इन्हीं से सीखी है। अपनी अद्भुत पेंटिंग से वो मुझे भी इंस्पायर करती है। हाँ अंकल रंग जबरदस्त है, नेरलैक है या एशियन? सॉरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ना, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, इन्हें ले जाकर दिखाओ बेटी। जाओ बेटा। ए, बैठना। क्या है? इधर बैठना अपुन से नहीं होगा। अपुन साथ में जाता है। चुप करना। ए, अभी आता हूं। हाँ बोलो। सुन तू तेरा सामान बांध ले, अपन लोग नया फ्लैट देख लेते हैं। अच्छा हाँ
तू शौक हो जाएगी, अपन को पता था, फिर भी तेरे को बताता है। अपन को जॉब मिल गया है। हाँ, जॉब तुझे किसने दी? ए, अपन के पीछे कौन है मालूम? कौन है? मैडी है ना? तेरे को ऐसे बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा क्या? ठीक है, कुछ भी हो अभी मैं बिजी हूँ, बाय। अंदाज महबूब भी क्या चीज है, उन्हें ना कहने में भी हाँ सुनाई देती है। वो कहते हैं बहुत बिजी हैं, उसे मिलने का जिद हमें खाई जाती है। मस्त लगाना मेरे यार। तुम्हें पूछे बिना, तुम्हारी पसंद जाने बिना तुम्हारी शादी की बात हो रही है, इसलिए बुरा लग सकता है। पर माधुरी एक बात सोचो, जिंदगी एक कड़वा अनुभव के कारण रुक जाए और हम उसी को सच मान लें, क्या ये सही है? सच क्या है ये जानना है तो नए अनुभवों के लिए आगे बढ़ना होगा। खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियों को भी लार्वा स्टेज पार करना पड़ता है। तुम कैटरपिलर स्टेज में हो, तितली में बदल जाना ही जिंदगी है। वैसे तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी। एक्चुअली माधव, इस शादी के बारे में मैंने बहुत सोचा, पर हाँ वो मैंने भी सोचा। इस शादी के लिए राजी होना मुझे इतना इजी नहीं लगा। आज तक माँ बाप से मैंने जो कुछ भी मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। इसलिए उनकी इच्छा को मैं कभी भी ठुकरा नहीं सकती हूँ। पर माधव, तुम्हारे साथ एडजस्ट होने के लिए, फिजिकल होने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। दैट्स इट। माधव? या, कूल। मुझे समझ आ गया, डोंट वरी। बस ना भाई, तू आ रख दे। बोतल देना। अरे बहुत पी लिया यार तुमने, आज तुम्हारी सुहागरात है, वो लड़की राह देख रही होगी, जाओ ना यार। अबे वो सब छोड़, मुझे देना। सही तो कह रहा है। अरे इनफ यार। वहाँ कमरे में दुल्हन की हसरतें बढ़ती जा रही हैं। वाह वाह। वहाँ कमरे में दुल्हन की हसरतें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ दूल्हा की बोतलें बढ़ती जा रही हैं। ए चुप रहो, ए अपनी शायरी बंद कर यार। अरे चुपचाप पी बे। अरे मैडी जाना। अबे जा, एक ग्लास पी, कितना पिएगा? जाना यार। अबे भाई बस कर, जा, नहीं तो यही टाइम जल्दी से जाएगी तेरी। शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। छोड़ो ना, ऑफिस जाना है। अरे क्या है, पहले की तरह जंगली रहते तो कितना अच्छा होता ना। सुबह सुबह उठते, शिकार पर जाते, वापस आते और बिस्तर पर चढ़ जाते। समझ नहीं आया क्या, तू कहाँ मिल गई रे अपुन को डेढ़ दिमाग वाली? हाथी, बाघ, शेर, ऊंट, मोगरे का फूल, ये सब होता है जंगल में। मैं समझी नहीं। मैं समझाऊं क्या?
मतलब कितना परेशान करते हो सुबह सुबह मुझे। इसे परेशान होना कह रही हो? अरे जंगल में होते तो ये बॉस ऑफिस ये सब नहीं होता ना। अपन राजा होता और तू अपन की रानी। हाँ और अपन की बात तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? टाइम हो गया। किस चीज का? ऑफिस जाना होगा। अपन कह क्या रहा है और तू कर क्या रही है? हम जंगल में नहीं है, तुम राजा नहीं हो ना मैं रानी हूँ, हम तो प्रजा है। अपन तो तेरा गुलाम ही सही है मेरी जान, तू अपन की रानी है। जाओ। सुबह सुबह प्यार करते तो दिन अच्छा जाता है ऐसा सुना है, मस्त कसरत भी हो जाता है, क्या बोलती है? अच्छा हाँ। तो फिर जिम जाके कसरत करो ना। पता है तू ना बहुत चालाक है, हर लड़की चालाक ही होती है, गधे कहीं के। हाँ बोल। ए मैडी, फर्स्ट नाइट कैसी रही? बोला है ना? अरे बोल ना यार। हे, फोन रख। ए कहाँ जा रहे तू? ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता तो करके जा। नहीं भूख नहीं है। अरे ऑफिस जबरदस्त बनाया रे। अरे सुबु, अरे तू इधर क्या कर रहा है? मैं यहाँ का टीम लीडर हूँ। अरे आज से अपन भी इधर ही काम करने वाला है रे। थैंक्स। क्या रे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? प्लीज। ठीक है। हाय भाभी। हाय। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। अरे मैं खुद आ जाती ना, सासू माँ ने खा लिया। मम्मी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में गई है। भाभी सब ठीक है ना? ओके मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रही हैं। नया घर, नए लोग, जानती हूँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। शॉपिंग करने चले? ठीक है। हेलो। कातिलाना अंदाज है तेरी, चलती है तुझसे ये सांसें मेरी, हर पल खुद को तेरे ख्यालों में पाता हूँ मेरी जान, इसे मोहब्बत नहीं तो फिर क्या कहूँ। वाह उस्ताद वाह, क्या है शायर अच्छे मूड में लग रहे हैं। अरे तुम याद करो काफी है। बस करो अब। अरे क्या है इतना खामोश क्यों है, कहाँ है? घर में, वर्क फ्रॉम होम। चीटिंग, मेरे को बताया नहीं ना? बताती तो तुम ऑफिस जाते। हाँ ये भी तू सच बोल रही है। शाम को चिकन 65 बना रही हूँ, जल्दी आ जाना। और कुछ स्पेशल नहीं है क्या? और क्या स्पेशल चाहिए? रुक जरा। तेरे को एक ड्रेस कोड भेजा है, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। नया ट्राई करने के लिए क्या है? अरे क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? अभी अभी तो अपन की कहानी शुरू हुई है, आगे ये कहानी और कितने मोड़ लेंगे जानती है क्या? सोचो और सोचो। मैं सुन नहीं रही हूँ। अरे तू सुन रही है, अपन को पता है। मैं नहीं सुनूंगी। अरे बदमाश। बाय।
बोलना। अरे कहाँ पर है तू, यहाँ पैक रेडी रखा है? कहाँ आना है, घर जा रहा हूँ, आलिया वेट कर रही है। क्या यार तू ये बह की बातें कर रहा है, लड़की क्या मिली, तू तो अपने दोस्त को ही भूल गया। अरे नहीं रे भाई, ऐसा काय को बोल रहा है, आज नहीं तो कल बैठेंगे। देख मैं दो पैक तो मार चुका हूँ, अगला पैक तेरे साथ ही मारूंगा मैं। अरे तेरी तो, चल आ रहा हूँ मैं, फोन रख। अरे भाई बुरा मत मान यार, जरा पास्कल के अड्डे पे घुमा लेना। अरे क्या भाई, दिमाग खराब करके जान लेगा क्या, ऑलरेडी आधे रास्ते आ गए। अरे अर्जेंट मीटिंग है, तू चलना यार, तेरे को ज्यादा पैसा देगा, चल चलना भाई, चल चल। बस रोक रोक रोक, ऐसे दे दे रहा है। ये क्या, 200 रुपए मेरे 300 बनते हैं। 200 बहुत है, चल रख ले। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ अरे रे रे, ए, इधर अपुन की इज्जत उतारेगा क्या, इतना ही अपुन के पास? अरे अपुन को अपना भाई समझ ले, बाद में देख लेंगे। कहाँ से आया तू? बाय बाय। कैसा इंसान है, किधर बैठा है मेरा यार? ये रहा। क्या हुआ इसको? अरे छोटू क्या लेके आया है? चिकन तंगड़ी मंगवाया तो कौवे की तंगड़ी लेकर आया है, ऐसा लग रहा है मुर्गी बीमार है तेरी तो। अपन बात कर रहा है, तू जा रहा है, जा दूसरी लेकर आ। अरे वही ये देखो ना। हाँ अपन से होशियारी कर रहा है। अबे अपना नाटक बंद करना। हाँ अब बता तेरा मुंह काय को सड़ा हुआ है। अच्छा ये छोड़, ये बता तेरा स्वागत कैसा, क्या खाक हुआ क्या? जानता है पहली रात को क्या कहती है? कहती है शादी ये सब करने के लिए नहीं की। अरे अरे यार मैं कोई रेपिस्ट थोड़ी ना हूं, मुझे ही ना कह रही है। मुझे एक बात बता भाई, पैग तुम्हारे सामने रख दिया जाए और तू बिना पिए ऐसे रह सकता है क्या? ए, बहुत मुश्किल है भाई। चीयर्स। अरे सभी एक जैसे नहीं होते रे भाई, जरा प्यार से समझा, आराम से बात कर, टाइम लगेगा, इतनी सी बात के लिए ऐसी जल्दबाजी करेगा क्या? अबे मैडी हूं मैं, मैडी। तू बस मुझे इग्नोर करने वाली एक लड़की दिखा, बस एक लड़की दिखा मुझे, खुद को तोप समझती है क्या वो? अरे मैडी भाई वो तोप नहीं है रे, और अपन भी कोई सिपाही नहीं है। अब चल रात भर यहाँ बैठ के दारू पीता रहेगा क्या? खत्म हो गया यार, बॉटल भी खत्म हो गई, अब चल। अरे पगले ये है ना। अबे तेरी तो चल। दोस्त मेरा दोस्त, तू है मेरी जान। अंदर आना। अरे नहीं मैं घर जाता हूँ यार, तुझे आलिया। देखेगी क्या? सरप्राइज। एक तो लेट आए, ऊपर से इस मुसीबत को भी साथ ले आए। अरे बार बार उस अड्डे में जाके काय को बैठूं, इधर तू और मैं साथ बैठते हैं ना। अरे ब्रांड पसंद नहीं आया क्या? अरे बात ये है कि मेरे लिए तूने प्यार से चिकन बनाया ना, दारू के साथ चिकन जबरदस्त लगता है। वैसे भी दारू पीने के बाद क्या करना अपने को पता है? नो वे, ड्रिंक करके मुझे किस करोगे?
मुझे नफरत है। अरे तेरी नफरत को अपन प्यार में बदल देगा। प्लीज दूर रहो मुझसे। इसे देख रही हो, रोज ऐसे ही पीकर आ रहा है। ऐसे पिएगा तो कैसे चलेगा? आलिया, आलिया, दोबारा अपन कभी लेट नहीं आएगा। मैं पी के आया हूं ना, तो ये मत कहना कि तुम यहां नहीं सो सकते, क्योंकि सोऊंगा तो मैं यहीं। हाँ, ए लाइट में ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, इसलिए चुपचाप इस लाइट को बंद करो अभी। ड्रॉप करके आ। नहीं मॉम, मुझे बहुत काम है। अच्छा बता तुझे क्या काम है। ए, तू चुपचाप खाना। मैंने तुम्हें बताया ना मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मुझसे हुए अब बोलना तुझे काम है। चुप रह। तेरे बिन कैसे हम रहे, कैसे तुमसे हाल दिल कहे। सॉरी थोड़ी लेट हो गई। तुम क्या खुद को प्रिंसेस समझती हो? मुझे किसी के लिए वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बारे में सोचने का समय आ गया है। कॉलेज में तुम्हारे बारे में जो सुना वो दोबारा नहीं होना चाहिए। वैसे कल तुम लोग कैसे जाने वाले हो? भूल गए क्या? कल ही तुम लोगों को जाना है। What? रिसॉर्ट बुक कर दिया है, जाके अपनी पैकिंग कर लो।
The customer you're calling is... Hey baby, what's up? बोलना फोन क्यों किया? फोन क्यों किया मतलब मैं समझा नहीं। अरे पागल, तेरा कॉल कट कर रही हूँ मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, इतना भी नहीं पता क्या जो बार बार तू कॉल किए जा रहा है? ये क्या कह रही हो बेबी, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, ऐसे भारी डायलॉग मारे थे तुमने, वो सब भूल गई क्या? मुझे लगा था तू मुझसे शादी करेगा इसलिए, अब तो किसी और का हो चुका है ना, तो मुझे क्यों फोन कर रहा है तू? अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर, दोबारा मुझे कॉल मत करना। ए, तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? आती है पर हाईवे पर थोड़ा डर लगता है। आती है कि नहीं आती ये बता। आती है पर एक्सीडेंट होने से डर लगता है। मेरा भी दो बार एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद भी मैं चला रहा हूँ ना गाड़ी। चल अब तू चला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम ही ड्राइव करो, मुझसे नहीं होगा। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो क्या? नहीं मतलब तुमने मुझे ड्राइवर समझ रखा है क्या? प्लीज माधव लिसन। नो वे, चुपचाप गाड़ी चलाओ। हाय। बोलिए सर, आपके लिए क्या कर सकती हूँ? योर स्वीट नेम प्लीज। सर शनाया। सो शनाया, माधव के नाम पर एक रूम बुक होगा। यस सर। हाँ थैंक यू। बाय द वे नाइस नेम शनाया। थैंक यू। एंड यू नो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। राइट राइट राइट। राइट लो। अरे कहाँ ले जा रहे लिए अपन को? बताती हूँ, बस एक मिनट रुको। ओके कहाँ ले आई? बस एक सेकंड। अरे कहाँ गई तू? टन टना। अरे तेरे तो कैसे बुलेट जबरदस्त है, किसका है? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की। ओ अरे तो फिर इधर काय को लेकर आई है? पागल, ये तेरे ही लिए है। हाँ, मेरे लिए? अरे क्या मस्त है ये। इसलिए है कि हर रोज तुम लेट होते हो ना, कोई ना कोई रीजन बता के मैडी के साथ चिल करते हो। अब से ऐसा नहीं होगा। अरे आई लव यू माई जान। चल शिकार पे चलते हैं। अभी? अरे अभी नहीं तो क्या, सुबह जाएंगे। चलो चलते हैं। चल पेट्रोल भरवा दिया है क्या? अरे गाड़ी जब दिया है तो पेट्रोल भी भरवाया ही होगा। चल बैठ। बैठ गई? चले। हाँ आपकी वाइफ को बोनफायर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। वाइफ के साथ ही जाना होगा क्या? हम दोनों नहीं जा सकते। सर फायर वहाँ नहीं, यहाँ पर लगी है। सर
पीछे मड़के झड़के लड़के नाना नाना धड़क 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 धड़के नाना नाना पीछे मड़के झड़के लड़के नाना नाना धड़क 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 धड़क। क्या भाई इतनी जल्दी तुम थक गए? क्या हुआ? डांस करो, खेत जोतने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई। सच में अच्छा ही होता अगर कहीं जाके ना खेत जोतता। नहीं दोस्त, मुझे थोड़ा डाउट है, ये असल में तुम्हारी वाइफ ही है ना? वाइफ नहीं है ब्रो, वाइफ जैसी है। ओह अच्छा। पागल कहीं के, ये फिल्म है, डरते हो तो बंद कर दो ना। ए, ये इंसान है या भूत है? इतना खतरनाक आइडिया इनको कहां से आता है? बाप रे, ये देख के तो मेरा हालत खराब हो रहा है। अरे हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा था। ये फिल्म देखने के बाद पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं। हाँ तो फिर अभी वो नहीं होगा? ए, क्या बात कर रही है अरविंदू में। किस करेगी? जाओ भी। बहुत होशियार है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आप दोनों को 6 महीने एक साथ रहने का आदेश ये अदालत दे रही है। अब आखिरी सुनवाई 16 जुलाई को होगी। मम्मी कॉफी, मॉम कॉफी, रेणुका, सुजाता, डैम इट, सारा काम यहां मुझे ही करना पड़ता है। ये देखो सुबह सुबह ही शुरू हो गई, पता नहीं क्या मजा आता है इसे। लगता है खुद को बड़ी पेंटर समझती है लेडी हुसैन कहीं की। अरे क्या ये काम करता है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, ये क्या गन बेचते हैं रे भाई? सफेद वाले को शूट करता हूं, अगर फूटा नहीं तो दुकानदार का सर फोड़ देगा। लग पाया अपन ने, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आज समझ में आया अपन को। चाय। चाय इतना स्वादिष्ट कैसे? अरे मस्तान भाई के चाय के बाद यही चाय है, सच में। जानती हूँ। तू क्या ऑफिस जा रही है? मत जाना आज। हाँ रुकेगी ना मुझे पता है। हाँ ए हेलो मॉम। हाँ बेटा बोल। मुझे तो सिंपल कॉफी बनाना नहीं आ रहा है माँ। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ चाहिए तो हिटलर को कॉल करो। अब ये किस तरह का टॉर्चर है मॉम, अलग तो मुझे रहना है ना, हिटलर को क्या फर्क पड़ेगा? देखो मुझे अर्जेंट काम है, तुम खुद ही बना लो ना। मॉम
गॉड। उसकी जो हालत है उसे देखकर मैं उसे प्रोजेक्ट से निकालने की सोच रहा हूं। मुझे लगता था कि वो कुछ हासिल कर लेगा, कुछ बन जाएगा। आखिर मेरे डैड ने सोचा क्या होगा? पता है ऑफिस में सबके सामने उन्होंने मुझे कहा था कि ये फ्यूचर चेयरमैन बनेगा, और अब प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया। पता है मेरे डैड के पास ना पेशेंस ही नहीं है, हमेशा बस बिजनेस के बारे में सोचेंगे, घर वालों के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे आज तक मेरा ऐप तक नहीं देखा उन्होंने, पता है। अरे मना करने के बाद भी उसके साथ रहना पड़ रहा है, पता है ऐसी सिचुएशन में फंसा होना कि बिना दारू के दिमाग भी नहीं चलता। अरे तू इतना फिकर काहे को करता है, जरा ठंडा दिमाग से सोच। हाँ तेरे को खुद समझ आ जाएगा सब, जो तेरे को करना है वो कर, पहले काम पर ध्यान दे, समझ आया क्या? अरे मैं क्या देवदास लगता हूँ क्या? उसके बिना ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? और पता जज ने 6 महीने उसके साथ रहने का ऑर्डर दिया। अरे पागल। अरे वो क्यों डिसाइड करेंगे मैं किसके साथ रहूंगा, और 6 महीने में वैसे भी क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, तू फिकर मत कर। कोई भी हो मैं उसे थोड़ा ही टॉलरेट करती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैम। यस सर, आई एम कमिंग। आखिर ये सब क्या है? 3 बार गलती की तो निकाल देगी क्या? अरे उसकी फैमिली के बारे में तो सोचना चाहिए ना, निकालने से पहले नोटिस भी नहीं दिया। आलिया, 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 दरवाजा खोलना। जाओ यहां से, जाके उस मैडी के साथ ही सो जाओ। अरे प्लीज दरवाजा खोलना, अब झगड़ा मत कर रहे। ये कोई पीजी हॉस्टल है क्या? मैं कोई वार्डन हूँ, अब साथ में क्यों रहना है, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए? अरे मैं तेरे को कोई कहानी नहीं सुनाता हूँ रे, दरवाजा खोलना। नहीं खोलूंगी। अरे प्लीज खोलना, कल से कसम से मैं लेट नहीं आएगा रे, खोलना। ए, मेरा बाबू। लगता है आज फिर उपवास करना पड़ेगा। ये क्या है, जब देखो मोबाइल में ही लगे रहते हो, तू नहीं सुधरने वाला। बोलो लता। हाय आलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। ये क्या, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बहुत अडिक्ट हो गई हो क्या उससे? अच्छा बता कब मिलेगी? ऑफिस में काम बढ़ गया है और अब तो घर में भी काम रहता है, बस इसी में थोड़ा बिजी हो गई हूँ। तुम कैसी हो? मेरा क्या है, वही रूम वही जॉब, बोर हो रही हूँ, कुछ प्लान करना। आज ही कुछ प्लान करते हैं, डिनर पर मिले। Sure. और फ्रेंड्स भी बुला लेना। Okay, bye. Okay. नाश्ता? आज फ्रेंड्स और कलीग्स को डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो सोचती हूँ आज तुम टाइम पर आ जाओगे। वो मैडी और माधुरी को भी बुला लेना। ओके। अरे
इधर कहाँ जा रहा है? अड्डे पर। अरे अरे प्लीज यार, अरे बस एक दिन छोड़ दे। अरे आज आलिया का बर्थडे है, डिनर के लिए सब फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है। अरे उसने तुम दोनों को भी बुलाया है, उधर ही दारू पी लेना ना यार। अरे वैसे भी मैं तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ, तेरी स्वीटहार्ट का बर्थडे ना अड्डे पर मनाएंगे। अरे बाबा प्लीज यार, अरे टाइम देख यार, मेरे को लेट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, जल्दी निकल जाएंगे। मेरी बात कभी नहीं सुनता तू। अरे बस एक एक पैक। मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 6 महीने उसके साथ, इट्स लाइक हेल, पागल हो रहा हूं मैं। अरे तुझे ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को तकलीफ हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे तुझे बताने लायक सलाह तो नहीं है, पर मेरे लिए एक काम कर यार, प्रॉमिस करके तू मेरी बात सुनेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ यार, बोल। तू 6 महीने में सेपरेट हो सकता है, ऐसा कोर्ट का लॉ है। एक साथ रहने के लिए डैडी कह रहे हैं। अगर अलग होना है तो दुश्मन जैसा नहीं, दोस्त की तरह अलग होना यार। 6 महीने कितना समय लगेगा बीतने में, एक बार सोच कर देख भाई। चल अब चलते हैं। अरे भाई तेरी बात मैंने कभी टाली है क्या? ठीक है चल। जब से अपन ने होश संभाला है, अपन की माँ कैसे दिखती है अपने को ये भी नहीं पता। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखा है अपन ने। पर तूने एक बहुत अच्छा काम किया दोस्त, कि तूने आलिया जैसे लड़की को अपुन की जिंदगी में भेज दिया। आजा। सिस्टर, अपन लाइफ में पहली बार किसी को सिंसियरली सिस्टर बोल रहा है। वो दिखने में ऐसा टफ दिखता है, लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट है। इस दुनिया में उसके अलावा अपन का और कोई नहीं है। मेरा और उसका क्या संबंध है बताओ? पर जब से उसने अपन को दोस्त बनाया, अपन को कभी लगा नहीं कि अपन इतना छोटा है। आपको सलाह देने लायक तो नहीं अपन, एक बार उससे दोस्ती करके देखो, फिर कभी उसको छोड़ नहीं पाओगे। आपकी मर्जी होगी तो आप अलग हो सकते हो, ऐसा कानून में है। 6 महीने को कितना समय लगता है बीतने में? नहीं पसंद है तो अलग होना अच्छा है, पर दोस्त बन के अलग होना।
ऑफिस में तो ये बड़ी बड़ी बातें करती थी, डिंगे मारती थी, अब देखो किसके पल्ले पड़ गई। उस लफंगे से मोहब्बत करती है ना। गर्लफ्रेंड के जन्मदिन से कोई जरूरी काम होता है। hey, गाड़ी साइड में लो। क्या हुआ सर? चलो बाहर निकलो। फूको इसमें। सर सर फूको। ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो? सर 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 प्लीज सर, बड़े साहब के पास चलो, जाना है सर, चलो, प्लीज चलो। चलो सर, गाड़ी साइड में लो, लेकर जाओ इन्हें, कार की चाबी ले लो सर, जाओ जाकर गाड़ी साइड में ले जाओ भाई, जाओ क्या देख रहे हो, लेकर जाओ, सुना नहीं तुमने, जाइए न्यूसेंस क्रिएट मत करिए, जाइए चलो आ जाओ। हेलो लता। आलिया? वो नहीं आया। अरे मैं तुझे समझा रही थी आलिया, पर तू मानी ही नहीं। उस अरविंद पर मुझे पहले भी भरोसा नहीं था, अब देखना बात यहाँ तक पहुँच गई। मेरी लाइफ में भी कोई था, मेरा पति, वो बहुत ही घटिया इंसान था। उसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर वो बिना किसी कारण मुझे छोड़ के चला गया। मैंने भी तुम्हारी ही तरह कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, सिर्फ प्यार के अलावा। वो भी नहीं मिला। आलिया, आलिया, डोंट क्राई आलिया, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बाय। आलिया, बेबी कहाँ हो? मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत ट्राई किया, पर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है अभी पता चला। मुझे पसंद नहीं था, फिर भी पहली बार तुम्हारे साथ शैंपेन पीने का सोचा। You don't deserve champagne with me. In fact, you don't deserve me at all. Goodbye. Thanks for not disturbing me further. Alia! Alia! Bahar aana! Alia! ये क्या है? ये पागल हो गया है क्या? वार्डन आ गई तो? आलिया, सॉरी यार, प्लीज दोबारा कभी नहीं करूंगा, तेरी कसम। आलिया, ए, कहाँ घुस रहा है? चल निकल। अरे एक मिनट साइड होना यार, प्लीज। आलिया, अरे तू साथ नहीं होगी तो अपन पागल हो जाएगा, लग रहा है कोई सर कुचल रहा है। आलिया, अरे तुझको समझ नहीं आता है क्या रे? अरे तेरे को बात समझ नहीं आ रही क्या? दूर रहे। आलिया, अब ये भी अपन को धमकी दे रहा है, चल घर चलते हैं। अरे तेरे को क्या घूर रही है, जाके बुलाना उसको। ए, तू क्या देख रहा है, इसको निकाल यहाँ से, बाहर कर इसे। अरे मेरे को हाथ लगाया तो मारेगा तेरे को। आलिया, आलिया, स्टुपिड, आलिया, आलिया। चैन पड़े ना, दिल लागे ना, तेरे बिन साथिया, प्यार मेरा पहचाना ना, मुझको छोड़ दिया। गलियों से तेरी चला, तन्हा
भटकूं तुझसे दूर चला छोटी मंजिल चैन पड़े ना दिल लागे ना तेरे बिन साथिया प्यार मेरा पहचानना मुझको छोड़ दिया साथ में तेरे दिन जो बिताए कैसे हम भूले यादों में तेरी तड़पते हैं हम आके देख ले पड़ेना दिल लागेना तेरे बिन साथिया प्यार मेरा पहचानना मुझको छोड़ दिया साथिया ओ मेरे साथिया वाओ ब्यूटीफुल हे हे नो मैंने लड़की सुंदर ऐसा नहीं कहा पेंटिंग बहुत अच्छी ऐसा कहा मतलब लड़की तो सुंदर है ही पर उस तरफ मुड़ी हुई है ना ओ गॉड मेरा मतलब पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है यू नो मैंने कल दोपहर से कुछ खाया नहीं है आई एम सो हंग्री अरे आई एम सो सॉरी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है हे कम ऑन कोई बात नहीं है मैं हूं ना यू नो व्हाट मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूं आप जाके रेडी हो जाइए मैं ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती हूँ ओके इतने बड़े पब में एक भी लड़की दिखाई नहीं दे रही है यार सच कहा भाई कोई नहीं दिखाई दे रही है बहुत सुंदर है हेलो Thank you.
क्या हुआ माधुरी, बात नहीं बनी क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं। उन्हें मेरा काम शायद पसंद नहीं आया। हाँ समझ गए। अरे क्या हुआ यार, छोड़ दे भाई। अरे भाई दुखी क्यों बैठा है, मैडी को फोन करना। ए क्या बकवास कर रहा है, कौन दुखी है? अपन दुखी है, तेरे को बोला क्या मैंने? अरे तुमको पहले ही बोला है उसको फोन करके बेकार में परेशान नहीं करने का, वो अभी अपने लाइफ में सुधर रहा है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और अपुन का क्या है, आलिया अपुन से बहुत प्यार करती है यार, वो मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग अपुन को क्या घूर ले हो, बियर ऑर्डर करो। अरे क्या है यार, शादी नहीं कर रहा हूँ मैं। माधुरी अंदर आ सकता हूँ क्या? या प्लीज कम। हे ये क्या है, इनकम्प्लीट है? एक्चुअली वो सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आमतौर पर पेंटिंग करने के लिए थोड़ी चीज़ें देखकर करते हैं, थोड़ी कल्पना से करते हैं, पर कुछ होती हैं जिन्हें अनुभव से करना पड़ता है। अच्छा कितने दिनों से ये पेंटिंग्स कर रही हो? 2 साल हो गए। What? अरे 2 years? मतलब 2 सालों से तुम इसी पेंटिंग में लगी हो क्या? एक्चुअली मैं एक सीरीज पर काम कर रही हूँ, वो कंप्लीट होने के बाद एक सोलो एग्जीबिशन रखने का मेरा इरादा है। नाइस। वन सेकंड। अरे प्रेम बोलना। हेलो मैडी, एनी अपडेट्स ऑन प्रोजेक्ट? तुम्हारे डैड ने अप्रूव किया क्या? एज यूजुअल। अरे मुझे एक बात बता, हम इस प्रोजेक्ट को कितने सालों से कर रहे हैं? और कितने साल, अब हम और नहीं रुक सकते। आई थिंक वी स्टार्टेड इट लास्ट मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई, मुश्किल से 5 महीने। अरे भाई हम 5 महीने में ही इस प्रोजेक्ट से इरिटेट हो रहे हैं ना, यहाँ एक लड़की है जो 2 साल से सिर्फ एक पेंटिंग पर काम कर रही है। हाँ ऐसा शाम को पब में मिले। अरे प्रेम आई विल कॉल यू लेटर। ओके बाय। या बाय। क्यों माधव, 5 months 2 years क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं माधुरी, प्रेम से वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। कौन सा प्रोजेक्ट? हे मैंने बताया नहीं ना तुम्हें, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। ओह कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेट्स की क्या जरूरत है माधुरी, जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, बट प्रेजेंटेशन के लिए डैडी मान ही नहीं रहे। पर क्यों? पता नहीं वो मुझ पर यकीन ही नहीं करते, हमेशा कहते हैं कि तुम टाइम वेस्ट करते हो, यू नो ही डजंट बिलीव। साहब टाइम कितना हुआ है? अरे रिलैक्स रहे यार, जोक करेगा तो हंसने का ताकत भी नहीं है। अगली बार नहीं देखूंगा कि तू मेरा दोस्त है, ये लास्ट वार्निंग है। हे पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, वैसे एक बात बताओ, इसे कल्पना से बनाया है या फिर अपने अनुभव से? ये कल्पना से बनाई हुई पेंटिंग है, अनुभव से थोड़ा मुश्किल होता है ना। Why? इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये सब सिर्फ ड्रीम्स में ही पॉसिबल है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओह जस्ट अ सेकंड। माधुरी 5 मिनट में रेडी हो जाओ। वो क्यों? रेडी हो जाओ, बताता हूँ बाद में। ठीक है। झीले ये लम्हे हम आसंग में
बातें करे कुछ हम आसंग में, सुने दिल की धड़कन आसंग में, प्यार में खो जाए हम आसंग में। सुन लो जरा तुम मेरे दिल की सदा, चाहा है तुमको मैंने बेइंतहा, सुकाया दिल को मेरे तू जो मिला, जीने का मुझको भी सहारा मिला, सांसों में बस हो तुम, हो तुम ही मेरी दुनिया, राहों में चले अब हम आसंग में। सॉरी माधव, राहुल के साथ मेरा एक छोटा बैड एक्सपीरियंस था। कूल माधुरी, रिलैक्स। अगर जिंदगी एक बुरी याद के साथ जिएंगे ना, तो हम उसे ही सच मान बैठेंगे। यू शुड मूव ऑन। सुना था दिल मेरा बिन तेरे ये जहां, ओ मेरे माहिया, तुमसे मिली हर खुशी रंगों से सज गई ये मेरी दुनिया, नींदों में सिर्फ तू, ख्वाबों में चेहरा तेरा, हर पल में है साथ तू, ओ साथी रे, तुमसे ही है खुशी, बातों में जिक्र तेरा, हो तुम ही मंजिल मेरी हर राह में, जी ले ये लम्हे हम आसंग में, बातें करे कुछ हम आसंग में, सुने दिल की धड़कन आसंग में, प्यार में खो जाए हम आसंग में, सुने दिल की धड़कन आसंग में। अरे प्रेम, तूने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताया क्या? नहीं यार, क्यों? अरे यहाँ एज इट इज है, प्रेजेंटेशन चल रही है। अरे क्या बात कर रहा है तू, सुबह सुबह पी रखी है क्या? क्या हुआ यार? क्या हुआ? हेलो हेलो। हे प्रेम, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। एक्सेलेंट माधव। थैंक्स डैड, पर ये सब आपको मिला कैसे? माधुरी ने भेजा हमारी टीम को। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ यू, proud of you my boy. Thank you dad. Sang mein rahenge sada hum tum mere saathiya, jeena mushkil ab tumhare bina, sun mere o saathiya, सवालों में जवाबों में तू ही, एक तू ही मेरी धड़कन, सांसों में ख्वाबों में तू ही,
कब आए तुम? Hey, मैं असल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. सीरियसली आई एम हैप्पी. मेरी लाइफ में सब केक वॉक है ऐसा ही सोचा था, बट इन दिस मैटर आई कुडंट डू इट. पर तुमने ये कर दिखाया. यू नो इट वर्क्ड एज अ मैजिक फॉर मी. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माधव. आई थिंक यू डिजर्व इट. नो बट फॉर मी इट मीन्स अ लॉट. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट लाइक आई अचीव समथिंग. यू नो आज ऑफिस में सब क्लैप कर रहे थे ना, पहली बार मुझे जेन्युइन फीलिंग आई. मैं अपने आप को नया सा महसूस कर रहा था. चलो लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट. हे वेट वेट वेट, एक्चुअली कल मैंने महर्षि मास्टर को घर पर डिनर पर बुलाया है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती. आप अपने फ्रेंड्स के साथ? नो वे, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. आई नीड टू सेलिब्रेट विद यू. हाय सर. हाय माधुरी. माधुरी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. कैसा सरप्राइज? जस्ट अ सेकेंड. ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल सर? तुम्हारा काम उन्हें पसंद आया, स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है. कंग्रेट्स माधुरी, यू फाइनली डिड इट. इतने सालों के बाद ड्रिंक्स शेयर करने के लिए मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई. आपको माधव को भी कंग्रेचुलेशंस बोलना होगा. अच्छा? हाँ सर. क्यों? क्योंकि इनके डैड इनके ऐप प्रेजेंटेशन के लिए मान गए हैं. वाओ, कंग्रेचुलेशंस. हाँ सर, इट्स माय फर्स्ट अचीवमेंट. तो फिर डबल चीयर्स. सर, बॉस ने बुलाया है. हेलो. क्यों बे उल्लू के पट्टे, दोस्त को पूरी तरह से भूल ही गया ना तू? हे बस कर यार, तेरे बाप ने अपुन का यहाँ नौकरी पे लगाया तो सोच रहा हूँ कि फुर्सत से काम करूँ, और तुम लोग परेशान करते हो. सर बॉस इंतजार कर रहे हैं, जाइए ना. बहुत टाइम के बाद अपुन के जिगरी दोस्त ने फोन किया भाई, जा रहा हूँ ना. क्या मेरे भाई, बहुत बिजी लग रहा है तू आजकल, बहुत बड़ी तोप हो चुका है तू. हाँ भाई, यहाँ अपुन एक मिनट नहीं रहेगा तो ये लोग ठीक से काम नहीं करते. किसी भी तरह से कंपनी को अपुन को ही ऊपर लेके आना है. वो सब छोड़ पर तेरा क्या चल रहा है? तू और माधुरी सेट हो गए ना? हाँ मेरे भाई, वो तो सच में बहुत खुश है. एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. सुपर है भाई, और क्या चाहिए फिर. चल जल्दी से एक पार्टी करते हैं. अच्छा चल, मैं चलता हूँ. ये मैनेजर पहले से अपुन को काटने के लिए बैठा है. ठीक है ना, चल फिर बाय. ठीक है मेरे भाई, बाय. Have your seat. सर के लिए कॉफी लेकर के आओ. सर अपन कॉफी नहीं, चाय पीता है. तो फिर चाय लेकर के आओ. छोटू चाय में शक्कर कम डालना. ठीक है सर. कुछ भी हो तुम लकी बहुत हो. मांगने पर ही तुम्हें जॉब मिल गई, कोई सवाल करने वाला बॉस भी नहीं है, समय पर तुम्हें सैलरी मिल जाती है, दोस्तों के साथ फुल मस्ती करते हो. अच्छा तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है ना? तुम कुछ भी करो लेकिन वो कुछ नहीं कहती है. तुम्हारी जैसी किस्मत मेरी नहीं है भाई. और हाँ, वो लड़की ने वो बाइक भी तुम्हें दे दी है. क्यों, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो. मैं तो गधा मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये जॉब गई तो कुएं में कूदना ही पड़ेगा. बहुत मेहनत करके मैं इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ. आज मुझे इस पोजीशन की कीमत पता है. ऑफिस में या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा, डिसाइड करो. गर्दिश की ऐसी घड़ी आ गई. अकाउंट से अपने पैसे लेते हुए जाना. मायूसी मुझ में यूं छा गई है. होगा ना मुझसा मुकद्दर का मारा, जीते जीतन से रूह जा Thank you.
बंदिशें कातिल दिल की मुझे तड़पाए, ख्वाहिशें इश्क की तेरी तेरे दर लाए, बंदिशें कातिल दिल की मुझे तड़पाए, ख्वाहिशें इश्क की तेरी तेरे दर लाए, मेरे मौला दे मेरे मौला, रहमो करम बरसा दे मेरे मौला, बिखर गए दहलीज पे जो, बिखर गए दहलीज पे जो, बिखर गए दहलीज पे जो, बिखर गए ख्वाबों को फिर से बसा दे मेरे मौला, रहमो करम बरसा दे मेरे मौला, पुकार सुन ले रे मेरे मौला, कर तू कहे तो करूं जान सार तुझ पे है मेरे मौला, मौला मौला। चमन जो उजड़ा खिला दे मेरे मौला, कहर को सर से हटा दे मेरे मौला, बेचैन दिल को सुकून मिले, 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 ऐसा एक कांदा दिला दे मेरे मौला, रहमो करम बरसा दे मेरे मौला। एम्बुलेंस? हेलो, व्हाट द हेल आर यू सेइंग? पर ये सब हुआ कैसे? अरविंद अंदर है, माधव भी आया है। बिल्कुल टेंशन मत लो, कह रही हूँ ना तुमसे, शांत हो जाओ। जिंदगी में मैं पहली बार रो रहा हूं आलिया। दर्द क्या होता है वो तब पता चला जब माधुरी मुझसे दूर होने लगी थी। मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, और आज जब मेरा ये दोस्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है तो बहुत दर्द महसूस हो रहा है। जब हम पर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी तब हम आजाद पंछी की तरह खुश रहते थे, तो अब ऐसा क्यों हुआ? जब हम बेकार पड़े रहते थे तो कोई नहीं पूछता था, अब जब हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
अभी अभी तो रिलेशनशिप की ब्यूटी मुझे रियलाइज हो पाई है। देखो आलिया, पिछली बार जब मैं इससे मिला था ना, तो ये कह रहा था ये तुम्हारे साथ खुश है, और पता है मुझे भी ये बदलने की सलाह दे रहा था, जैसे कि मेरा बड़ा भाई हो। मेरी लाइफ सेट करके ये देखो ना इसके साथ क्या हो गया आलिया। वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारे बर्थडे के बाद वो दारू नहीं पिएगा, पर मैंने अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसे दारू पिलाई। वो तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें गिफ्ट देने वाला था, पता है? ये देख। हे, ये तो कमाल की है यार। अरे ये कुछ नहीं है, हमारे रिलेशनशिप को शादी में बदलने का सोच रहा हूँ। ये कैसा है डॉक्टर? He is out of danger. Thank you, doctor. ए, कम से कम अब तो सुधर जा। क्यों रे? कितना समझाया दारू मत पिया कर। So, ये शायद हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है ना? सुनो, इतने दिनों की जर्नी की है, एक हक तो बनता है ना यार। मरने की वजह घर के ओनर को देखता हूँ तो हॉरर मूवी के भूत जैसा दिखाई देता है। वो कैसा दिखता है? काला भैंसा जैसा। चाय पीने की सोचता हूँ तो उधार देना छोड़कर मुझे इंसान का दर्जी नहीं दे रहे हैं। हाँ, दर्जी नहीं रे, दर्जा है वो। कैसा पढ़ाई किया है तू? उधार मतलब पैसा, पैसा। क्रेडिट ना? हाँ वही। ओके, मेरा जूनियर सबूजी कॉलेज में हमारे सामने खड़े होने से पहले जो डरता था वो अब मेरा टीम लीडर बनके धमकी देने लगा। तुम्हारे जूनियर का नाम सब्बा है क्या? अरे उसका नाम सब्बा नहीं, सुब्बू है। अपुन ने जानबूझकर उसका ऐसा नाम रखा है, उसका और अपुन का जमता नहीं। ओके, वो बॉस ने तो मुझे सफेद बाल की तरह उखाड़ के फेंक दिया। ऑफिस टाइम में गर्लफ्रेंड को कॉल करके बातें करेगा तो यही होगा। अरे उसके बारे में क्या बात करना, छोड़, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ओके। मैडी से मिलकर एक हफ्ता बीत गया।
उसे मेरा हाल पता चलेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी वो बहुत होशियार है। हाँ, मैंने उसको फोन नहीं किया, वो अभी अभी तो सुधर रहा है। उसको फोन करके अपन प्रॉब्लम में बताता तो ना। लाखों में एक आलिया को दूर कर दिया, अब वो मेरी शक्ल देखना तो दूर, मेरा फोन भी नहीं उठाती है। सही तो है, तूने फोन बंद करके रखा तो मैं किससे बात करता? I'm sorry, दोबारा नहीं करूंगी। Love you. हाँ, मुझे दिलासा देने के लिए कोई नहीं है तो अब मैं जी कर क्या करूं? दोबारा ऐसी बातें लिखी और मरने का सोचा ना तो गोलियां खा के तो बाद में मरोगे, उससे पहले मैं मार दूंगी, समझ गए ना? हे, जीने के लिए भी तुमने वजह लिखी? एक ही है? एक हाथी होगा तो काफी है। ए, वो हाथी नहीं, साथी, साथी है। हाथी और साथी का डिफरेंस पता नहीं है? किसका हाथी? किसका हाथी? ये थी हमारी फिल्म। एंजॉय किया ना? एक्स्ट्रा मजा। नमस्ते।